नमस्कार। मॉनसून आने के बाद से जहां देश भर के कई राज्यों में झमाझम बरसात हो रही है और तापमान में गिरावट आई है, वहीं दिल्ली का हाल इसके बिल्कुल विपरीत है। दरअसल दिल्ली में बीते कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से राजधानी का तापमान भी बढ़ गया है और उमस भी काफी ज्यादा महसूस हो रही है। वहीं अन्य राज्यों की बात करें तो बिहार, यूपी और मुंबई में कई जगहों पर बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल हो गया है। वहीं नेपाल में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश और उसके बाद नेपाल में स्थिति कोसी बराज के रविवार को 56 के 56 गेट खोल देने के बाद बिहार में कोसी नदी उफनाई हुई है और कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कोसी बराज के सभी गेट खोल दिए जाने के बाद रविवार को 3,94,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया और बाढ़ का पानी कई गांवों में घर कर चुका है। इससे हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, उसमें जलस्तर बढ़ने के बाद सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जैसे जिले में बाढ़ का खतरा ज्यादा है। बिहार के लिए परेशानी की बात यह है कि इस बार जुलाई महीने में ही कोसी नदी में जलस्तर जबरदस्त तरीके से ज्यादा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पिछले 44 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब जुलाई के महीने में तकरीबन 4,00,000 क्यूसेक पानी कोसी बराज से छोड़ा गया है। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिलों में हालात ऐसे हैं कि नदी के अंदर बसे हजारों गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंच रहे हैं। कोसी नदी में जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है, उसको लेकर सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिलों में लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वह सुरक्षित स्थानों तक पहुंच जाएं।